आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेसन 3 वापस पढ़ा रहे हैं। हमने लेसन पढ़ा था 3, उसमें क्या पढ़ रहे थे हम 4। अब इस ये सारी चीजें आज मैम ने बना रखी है। आप सोचोगे मैम क्या लिख रही है, क्या फिगर बनाया, क्या क्या बनाया मैम ने, उनके बारे में बताऊंगी मैं भी आपको। तो आज सबसे पहले आपको पेज नंबर 10 निकालना है। पेज नंबर 10 आपने रीडिंग करी थी सबने, और पहला मैंने जो पढ़ाया सबने पढ़ लिया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस के बारे में। तो मैं सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे साथ साथ सब फिंगर रखेंगे। डिपेंडिंग ऑन व्हाट पीपल ईट दे कैन बी कॉल्ड वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। ये लोगों के खाने पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं। जो खाते हैं कोई वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो इस पे मतलब लोगों पे डिपेंड करता है, पीपल पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं। तो आज हम जैसे जो लोग फिश मीट एग नहीं खाते हैं वो लोग क्या कहलाएंगे, वेजिटेरियंस। तो पीपल हु डू नॉट ईट फिश चिकन मीट एंड एग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो फिश चिकन मीट एग नहीं खाते हैं वो लोग क्या कहलाएंगे, वेजिटेरियंस। ओके, पीपल हु ईट फिश चिकन मीट एंड एग आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। और जो ये सारी चीजें खाते हैं, क्या क्या, फिश मीट एग फ्लैश, ये जो चीजें खाते हैं वो कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, नॉन वेजिटेरियंस। समझ में आएगा सबको वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस में अंतर। तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको कि जो लोग फिश फ्लैश एंड एग नहीं खाते हैं वो कहलाएंगे वेजिटेरियंस, और जो सारी चीजें खाते हैं ये सब वो कहलाएंगे नॉन वेजिटेरियंस। सबको समझ में आएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। आप लोग एक दिन में कितने ग्लास पानी पीते हो? हमको बहुत मात्रा में पानी पीना चाहिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6 to 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमको एक दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। आप बोलोगे कि मैम इतना पानी क्यों पीना चाहिए, क्योंकि वाटर हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो चीज हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट मतलब पचाने में हमारी मदद करता है। इट हेल्प अस टू थ्रो आउट द अनडाइजेस्ट वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। और ये हमारी हेल्प क्या करता है, और क्या हेल्प करता है, जो अनडाइजेस्ट एंड वेस्टेज होते हैं उनको हमारी बॉडी से थ्रो आउट मतलब बाहर निकालते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आज हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे गुड हैबिट्स के बारे में। गुड हैबिट्स क्या होती है आपको पहले मैंने बताई थी गुड हैबिट्स, बट आज हम पढ़ेंगे गुड फूड हैबिट्स। वी मस्ट लर्न गुड फूड हैबिट्स। हमको अच्छी खाने की आदतें सीखनी चाहिए। सबसे पहले आप लंच होता है, चलो इतना सब समझ में सबको आ गया होगा। जैसे आपका लंच होता है तो आप बोलते हो ना मे आई गो टू हैंड वॉश, मैम मैं हैंड वॉश करके आ जाऊँ, तो मैम बोलती गो। जो जिन बच्चों ने हाथ नहीं धोए हो, जिसने हैंड वॉश नहीं करा हो, हैंड वॉश करो उसके बाद में खाना खाना। तो ये होती है गुड हैबिट्स। तो वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हमको खाना खाने के पहले और बाद में हैंड वॉश करना चाहिए। और आजकल तो सबको पता है बार बार में बोलना पड़ रहा है हैंड वॉश करो हैंड वॉश करो, क्योंकि पता है कौन सी बीमारी चल रही है कोरोना, उससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, बार बार में हैंड वॉश ही करना पड़ रहा है। सबको बोलो, बल्कि घर में सबको, दादी को बोलो, दादा को बोलो, मम्मी पापा को बोलो, हमारे टीचर ने पढ़ाया हैंड वॉश बार बार में करना चाहिए, खाना खाने के पहले बाद में तो करना ही चाहिए। ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। हमको भूख लगे ना तभी खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं भूख नहीं हो ऊपर खाते जाओ, ये गलत बात है, ये बैड हैबिट है। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड ओनली। और हमको हमेशा
ताजा और साफ सुथरा भोजन करना चाहिए, हमको बासी खाना नहीं खाना चाहिए, उससे हम बीमार हो जाते हैं। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, खाना खाते समय हमको नहीं बोलना चाहिए, खाना खाते समय हमको बात भी नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। नेक्स्ट, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, हमको अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, मतलब ढका हुआ भोजन करना चाहिए, बिना ढका हुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस पर क्या होता है, मक्खियाँ बैठ जाती है और वो गंदा हो जाता है, कुछ भी बात हो सकती है, कोई गंदगी गिर जाए, हवा से और भी चीज़ गिर सकती है उसमें, तो खाना गंदा हो जाता है। हमेशा हमको कवर्ड भोजन करना चाहिए। च्यू द फूड वेल, भोजन को अच्छी तरह चबा चबा के खाना चाहिए। च्यू कैसे करते हैं, समझ रहे सब, मतलब जल्दी, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी खा लिया भी छोड़ने जाएंगे, नो, आराम से भोजन को चबा चबा के खाना करना चाहिए। ईट प्लेंटी ऑफ फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डू नॉट ओवर ईट, हमको ओवर ईट नहीं करना चाहिए, बता दिया आपको, ओवर ईट नहीं करना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं खाना चाहिए। डू नॉट बाय फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स, और हमको जो खोमचे वाले आते हैं ना, गली में बेचने वाले आते हैं, उनसे फूड खरीद के नहीं खाना चाहिए बेटा, क्योंकि क्या होता है, हो सकता है उनका भोजन खुला पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, उस पर बीमारियाँ लग जाती है, गंदगी, धूल, मिट्टी, मच्छर, मक्खी कुछ भी बैठ जाते हैं, तो उसको हमको नहीं लेना चाहिए। डू नॉट ईट जंक फूड, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये सबसे अच्छी बात आपको पकड़नी चाहिए कि हमको ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे मैम जंक फूड क्या होता है, जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज में लेते हो, आप क्या क्या खाते हो मुझे पता है, जैसे बर्गर, चप्पूसी आ रही है, पिज्ज़ा, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब क्या है, जंक फूड, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जंक फूड तो कभी कभी मम्मा खिलाए, महीने में एक बार, बहुत कम खाना चाहिए, महीने में नहीं 15 दिन में, पर इतना नहीं। तो जंक फूड इज द फूड विच वी ईट बिकॉज वी लाइक इट्स टेस्टी, ये खाने में टेस्टी तो होते हैं, पिज्जा आते हैं मुंह में सबके पानी आ गया है ना, आया ना, बट ये नहीं खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब जंक फूड में क्या क्या होता है मैं वापस बता रही हूँ आपको, बर्गर, पिज्जा, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर जंक फूड। आप सबको लेसन 3 पढ़ना है, और इसमें से जो मैम ने वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस के बारे में बताया, और उसके बाद में मैम ने बताया था आपको मेन काइंड्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, मैम ने बताया था ये 3 इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, इनके बारे में बताया था, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टर्न में जब भी आपकी क्लास में आऊँगी मैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ओके, बाय।